गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में भारत के पड़ोसी देश ये सभी देख चुके थे, उनके साथ भारत की संलग्न सीमाएं ये भी हम लोग कवर कर चुके थे, भारत के तटीय राज्य और उन सभी राज्यों के तटीय नाम ये सारा कुछ लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे, क्लियर है। आज के क्लास में चूंकि पहला टॉपिक चल रहा है ना, वो पूरा कंप्लीट करना है आज, तो आज के क्लास में भारत के राज्यों का क्रम क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, उनकी राजधानियां, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश, उनका क्रम जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी, क्लियर है। सभी राज्यों की सीमाएं अन्य देशों के साथ और भारत के राज्यों के साथ, कि कौन सा राज्य कितने राज्यों के साथ बाउंड्री क्रिएट करता है और कौन कौन सा राज्य कितने अन्य देशों के साथ बाउंड्री क्रिएट करता है, ये सब हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। और फिर लास्ट में एक टॉपिक बच जाएगा पहले ही चैप्टर का, भारत के तटीय क्षेत्र, कि तटीय क्षेत्रों में समुद्र में भारत का अधिकार कहां तक है, कितने किलोमीटर तक है, कितने नॉटिकल मील तक है, और उन अलग अलग क्षेत्रों को किस किस नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ उन क्षेत्रों पर भारत का कैसा कैसा अधिकार है, क्या क्या अधिकार है उन क्षेत्रों पर, ये सब कुछ आज क्लास में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर पहला चैप्टर क्या होगा हमारा क्लोज हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिएगा, तो हम लोग चूंकि पहले ही चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत का सामान्य परिचय, ओके, तो हम लोग आज देखेंगे भारत संघ के राज्य, भारत के राज्य और उसके यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। साथ ही आज हम लोग देखेंगे राज्यों की राजधानियां एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, राज्यों का क्रम क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का भी क्रम देखेंगे किसके आधार पर, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर, क्लियर है। चलो पहले इतना कवर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अब तक तो आप लोगों को मैपिंग क्लियर हो गया होगा जी, है ना। बोला था मैं ऑक्सफर्ड का स्कूल एटलस, जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का बाउंड्री क्लियर होना चाहिए आपको, है ना। बांग्लादेश, ये हमारा भारत देश। अब राज्यों को देखेंगे ना, बता चुका हूं पहले क्लास में 28 राज्य हैं, तो पहले राज्यों को देखेंगे कौन कौन सा राज्य है। ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ये पंजाब, ये हरियाणा, ठीक, हरियाणा। ये मध्य प्रदेश है, ठीक, मध्य प्रदेश। ये राजस्थान, राजस्थान।
ये गुजरात, ठीक। नीचे जाओगे तो ये है आपका केरला, यानी कि केरल, ठीक। केरल के बाद ये तमिलनाडु, तमिलनाडु, क्लियर है। ये छत्तीसगढ़ है, ठीक, हमारा छत्तीसगढ़ जहां रह रहे हम लोग। ये गोवा है, गोवा, ठीक, गोवा। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, ओके। और ये कर्नाटका, कर्नाटक। ये तेलंगाना है, ठीक, तेलंगाना। और ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक। ऊपर जाओगे तो ये है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश के बाद ये पूरा ना वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ओके। ये बिहार है, बिहार। और यहां पर है आपका झारखंड, ठीक। और ये वाला जो बच गया वो है उड़ीसा, उड़ीसा ना। ये ऊपर का सिक्किम, ओके। यहां पे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर क्लोज होता है, बता चुका हूं मैं। ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। ये वाला आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, ओके। ये नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, और नीचे में मिजोरम। ये मणिपुर है और ये मिजोरम। ये त्रिपुरा है, ओके, त्रिपुरा। त्रिपुरा का बॉर्डर मिजोरम को टच नहीं करता है ना, याद रखिएगा। किसको टच करता है तो आपका, सॉरी, ये मिजोरम, ये मणिपुर। तो त्रिपुरा का बॉर्डर मणिपुर को टच नहीं करता है, मिजोरम के साथ लगा हुआ है ना। ये ऊपर में है मेघालय, मेघालय। और ये आपका असम, ओके, असम। और नेबरिंग कंट्रीज बता चुका हूं, उसको नहीं देखेंगे, बाहर का कवर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसको, भारत के अंदर को। तो ये राज्य हो गए 28 राज्य, ठीक है ना। अब केंद्र शासित प्रदेश को, राज्यों को बात देखेंगे, ओके। तो भारत संघ के ये 28 राज्य हैं। अब इनकी राजधानियां देख लेते हैं, चूंकि राजधानी पढ़ाने के लायक नहीं है ना, वो सबको पता है, लेकिन हम लोग पहला चैप्टर ही पढ़ रहे ना, जनरल इंट्रोडक्शन, तो मेरा काम है आपको पढ़ाना, क्लियर है। चलो, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक, सबको पता है। पंजाब की राजधानी क्या है आपका, ये चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़, बता चुका हूं। तो चंडीगढ़ ये हिमाचल, सॉरी, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है, यहां पर चंडीगढ़ ना। तो दोनों का कैपिटल है, पंजाब का भी कैपिटल है और हरियाणा का कैपिटल है, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी भी है ना चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ओके। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, क्लियर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुंबई ना, ठीक, पहले बंबई नाम था। गोवा की राजधानी पणजी, जी पणजी, सिंघम पिक्चर शूटिंग ना, यही हुआ था, गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, ठीक, बेंगलुरु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, प्राचीन नाम मद्रास, बता चुका हूं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, क्या है, हैदराबाद, क्लियर है। 1953 स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा है, पहला तो आंध्र प्रदेश, बता चुका हूं। पहले तेलंगाना एक था ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक था, 2014 में तेलंगाना अलग हुआ, बताया था इसको भी। तो तेलंगाना जब अलग हुआ ना, तो उससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, तो 10 साल के लिए आधिकारिक तौर पर हैदराबाद को दोनों की राजधानी बोला गया ना, कि 2014 में अलग हुआ, तो 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी आधिकारिक तौर पर किस, कौन सा रहेगा, हैदराबाद। तेलंगाना का भी राजधानी कौन सा रहेगा, हैदराबाद, 2024 तक ना, 10 साल के लिए।
बाद में अभी हाल ही में ना 2020 में लास्ट में आंध्र प्रदेश ने प्रस्तावित राजधानी पहले किसको बनाया था, अमरावती को, जब अलग हुआ तेलंगाना तो प्रस्तावित राजधानी थी अमरावती, क्लियर है। लेकिन अभी हाल ही में ना तीन राजधानी अमरावती सहित एक तो ये और दो अन्य, उसको मैपिंग के दौरान बताऊंगा कि कौन कौन सा अलग से राजधानी बनाया है, एक तो कर्नूल, क्लियर है। तो अभी याद रखना आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सा है, अमरावती, क्लियर है, जो प्रस्तावित था। तेलंगाना का हैदराबाद, इसकी आंध्र प्रदेश की तीनों राजधानियां मैपिंग के दौरान हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, क्या है, भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्या है, लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना, पाटलिपुत्र प्राचीन नाम था इसका, बता चुका हूं, मौर्यों की राजधानी थी ना। झारखंड की राजधानी रांची, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, तो झारखंड की राजधानी रांची, क्लियर। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, क्या है, कोलकाता, पहले नाम क्या था आपका, कलकत्ता, हिस्ट्री में इसको क्लियर किया था मैं, चौक चौरनौ याद होगा, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, क्लियर है यहां तक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, क्या है, देहरादून, ठीक है। सिक्किम की राजधानी जी गंगटोक, क्या है, गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ओके, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, ओके, दिसपुर ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ईटानगर, इधर का कैपिटल याद हो जाएगा ना, इधर का नहीं होता है इसलिए लिख रहा हूं, याद होना चाहिए इधर का कैपिटल आपको, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी क्या आपका, कोहिमा, क्या है, कोहिमा, ठीक। मणिपुर, ये मणिपुर है ना, इंफाल, क्या है मणिपुर की राजधानी, इंफाल, ठीक। मिजोरम, आइजोल, ठीक, मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा, अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, ओके, अगरतला ना। और मेघालय, तो मेघालय का शिलांग, ठीक, यहीं पे शिलांग का पठार है, उसी के नाम पर आपका कैपिटल। तो ये सेवन सिस्टर कहलाता है जी, क्या कहलाता है, ये सेवन सिस्टर जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, सात राज्य ना, सिक्किम को इंक्लूड किए बिना, तो जो सात राज्य है कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इन सातों राज्यों को पूर्वोत्तर भारत का ना सेवन सिस्टर बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन आया भी था व्यापम में कि सेवन सिस्टर ना, सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, ओके, तो पता होना चाहिए ये चार ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इधर त्रिपुरा और ये मेघालय छह, और सातवें में कौन, असम, क्लियर है। तो याद रखिएगा असम सेवन सिस्टर है, ये सात राज्य, इनकी राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, और ये आपका मणिपुर का इंफाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलांग और असम का दिसपुर, ओके, याद रहेगा, चलो इतना हो गया। तो ये होगी राजधानी और राज्य। अब आते हैं हम लोग किसमें, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। तो यहां पर अरेबियन सी में लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप ना, ठीक, लक्षद्वीप अरब सागर में। यहां पर आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो यहां पर है आपका अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दो हो गए, दो केंद्र शासित प्रदेश।
तीसरा ये चंडीगढ़, ठीक, चौथा ये दिल्ली है ना, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आपका दिल्ली, ठीक, कितने हो गए, दो और दो चार, जम्मू कश्मीर पांच और लद्दाख छह, ठीक, कितने हो गए छह। यहां पर है दीव, दीव, ठीक, और यहां पर है आपका दमन, ठीक, बताया था मैं दीव और दमन, ठीक, दीव और दमन, दीव और दमन गुजरात में ना, बॉर्डर पे नीचे, ठीक, और यहां पर गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास ये वाला, ये दादर नागर हवेली है, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली है ना, पहले दोनों अलग थे, 26 जनवरी 2020 एक हुआ बताया था, तो दीव दमन दादर नागर हवेली ये आपका सातवां केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दीव दमन, ठीक। एक लास्ट बच गया यहां पे आपका पुडुचेरी, क्या है पुडुचेरी, पांडिचेरी पुराना नाम था इसका। तो ये सात केंद्र शासित प्रदेश, आठ सॉरी, क्लियर है। अब इनकी राजधानी, राजधानी ना, तो लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती, ठीक, कावरत्ती, कावरत्ती, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर ना, ठीक। ये दीव दमन दादर नागर हवेली, दीव दमन दादर नागर हवेली, तो इनकी राजधानी ना, इनकी राजधानी दमन है, दमन, ठीक, दमन, पहले दीव दमन राजधानी दमन ही था, और दादर नागर हवेली इसका कैपिटल आपका सिलवासा, सिलवासा ना, लेकिन अब एक हो गया है तो कैपिटल बना दिए हैं किसको, दमन को, किसको, दमन को, याद रहेगा। चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़ ही, दिल्ली तो कैपिटल आपका नई दिल्ली, और भारत की राजधानी नई दिल्ली, ओके, याद रहेगा। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी आपका लेह, क्या है लेह, लेह लद्दाख, तो लद्दाख की राजधानी लेह, क्लियर। तो ये आपके भारत संघ के 28 राज्य एवं उसकी राजधानियां, भारत संघ के 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी और उसका कैपिटल, क्लियर है। चलो ये तो लोकेशन देख लिए ना, अब इनका क्रम देखेंगे, क्या देखेंगे क्रम, ओके। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य सबसे बड़ा है और जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, चलिए देखिएगा। पहले एरिया वाइज चलते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक, तो भारत के राज्य है ना, तो पहले राज्य देखेंगे, ठीक, राज्य इसको मिटा दो, भारत के राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, कौन सा है राजस्थान, मैपिंग में सीक्वेंस देखिएगा ना, ठीक, राजस्थान, राजस्थान के बाद गए एमपी में, कहां जाएंगे एमपी, तो सेकेंड आपका कौन एमपी, एमपी से नीचे गए तो आपका महाराष्ट्र, तो थर्ड नंबर पे कौन महाराष्ट्र, देखो सीक्वेंस ना, पहले राजस्थान, राजस्थान से नीचे आए तो एमपी, एमपी से नीचे आए तो महाराष्ट्र, ये टॉप थ्री। अब महाराष्ट्र से ऊपर जाओगे सीधा तो यूपी, सीक्वेंस देखो, पहले राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद नीचे महाराष्ट्र, फिर ऊपर गए तो ये आपका यूपी, क्लियर है। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सेकंड एमपी, थर्ड में महाराष्ट्र, फोर्थ में यूपी, क्लियर है। तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा राज्य है ना, ठीक, ये बड़ा राज्य, तो बड़े राज्य में सबसे पहले कौन आएगा, राजस्थान, कौन है राजस्थान, पूरा लिखोगे आप लोग ना, पूरा लिखोगे, राजस्थान के बाद ये देख लो सेकंड वाला कौन, एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप लोग पूरा लिखोगे, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र है, क्या है महाराष्ट्र, तो तीसरे नंबर पर, ठीक, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, ठीक, और महाराष्ट्र से सीधा ऊपर जाओगे तो कौन, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक, उत्तर प्रदेश। तो ये चार याद रखना है, हालांकि काम का दो है ना, फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन चार तक याद रख लो, क्लियर।
तो चार बड़े राज्य, ठीक है, चार बड़े राज्य। अब छोटे राज्य देखेंगे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक, क्लियर है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, कौन सा है, गोवा, सबको पता है भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा के बाद फिर सिक्किम, गोवा के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद त्रिपुरा, ठीक। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन, तो गोवा, गोवा ना, ठीक। गोवा के बाद सिक्किम, गोवा के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद त्रिपुरा, तीन याद रखोगे, ठीक, त्रिपुरा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, देन एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर यूपी, ये चार। सबसे छोटे में गोवा, गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद फिर आपका त्रिपुरा। तो ये राज्य है ना, ठीक, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, याद रहेगा। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम। अब जनसंख्या के आधार पर देख लेते हैं, जनसंख्या ना, कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, सबको पता है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या, ठीक, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, उत्तर प्रदेश, कहां है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद है ना कहां पे आपका, महाराष्ट्र, कहां है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद कहां है ना, बिहार, बिहार में, क्लियर है। तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, क्लियर है, टॉप थ्री। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा भारत का, तो पहले नंबर पर आएगा कौन, यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर आएगा आपका तो कौन, महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र पूरा लिखोगे ना, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर आपका कौन, तो बिहार, बिहार, ठीक, बिहार ना, क्लियर है। चलो, तो ये जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े राज्य, और सबसे कम जनसंख्या भारत देश में किस राज्य में है, ठीक, तो सबसे कम जनसंख्या देखेंगे। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है ना कहां पे, सिक्किम पे, कहां पे, सिक्किम पे। सर्वाधिक, सबसे न्यूनतम पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन ना, सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहां निवास करती है, तो सिक्किम में, कहां पे, सिक्किम। सिक्किम के बाद ये देखो ना मिजोरम, ये क्या है आपका, मिजोरम है ना, मिजोरम, मिजोरम, और मिजोरम के बाद फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है। पहले सिक्किम सबसे कम, उसके बाद दूसरा सबसे कम तो मिजोरम, मिजोरम के बाद तीसरे नंबर पर कौन आपका, तो अरुणाचल प्रदेश, कौन रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे कम जनसंख्या ना कहां पर निवास करती है, तो सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम के बाद थोड़ा सा जनसंख्या ज्यादा होगा पॉपुलेशन। सेकेंड नंबर पर आपका कौन, मिजोरम, 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 क्लियर है। तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर, क्लियर है। तो जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य, क्लियर है, याद रहेगा। ठीक इसी प्रकार अब हम देखेंगे किसको, यूनियन टेरिटरीज को, ओके, यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर पहले देखेंगे, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू एरिया ना, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था पहले, जब ये दोनों अलग नहीं हुए थे, ठीक है ना, उस समय यानी कि 31 अक्टूबर 2019, उससे पहले भारत का जो आपका लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी था, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, वो था ना कौन आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओके। लेकिन जैसे ये आपके बने, अस्तित्व में आए ना यूनियन टेरिटरी के रूप में, तो आज वर्तमान में भारत का जो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, जो सबसे बड़ा आपका क्या केंद्र शासित प्रदेश है, वो है कौन, लद्दाख, लद्दाख, ओके।
लद्दाख के बाद है ना फिर कौन, जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पर आएगा ना कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। खैर केंद्र शासित प्रदेशों में हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखना है। तो पहले नंबर पर कौन आएगा, लद्दाख। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन, लद्दाख, याद रहेगा। देन फिर आपका कौन, जम्मू कश्मीर, क्लियर है। सबसे छोटा, चलो पहले लिख लो, तो पहले देखेंगे किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, यूनियन टेरिटरी। ओके, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ना, पहले बड़ा देखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है, अभी बताया लद्दाख, ठीक, लद्दाख। सेकेंड नंबर पर कौन, तो जम्मू कश्मीर। देन फिर आएगा ना क्या आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटा, क्लियर है। तो सबसे छोटा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ना इंडिया का, वो है आपका कौन, लक्षद्वीप। कौन है, लक्षद्वीप। ओके, सबसे छोटा है ये। लक्षद्वीप के बाद आता था कौन, दीव दमन। कौन आता था, दीव दमन, सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा। लेकिन 26 जनवरी 2020 को जब दीव दमन और दादर नगर हवेली को एक किया गया, तो इसके एरिया में क्या हो गया, ये एक्सपांड हुआ ना, क्षेत्रफल क्या होगा, सीधी सी बात है, बढ़ेगा। इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए ना, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो आज वर्तमान में चूंकि पहले लक्षद्वीप था, सेकेंड में आपका दमन, और थर्ड में कौन था, चंडीगढ़ ना, तीसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो ये दोनों का एरिया तो बढ़ गया। तो इनके बाद अब लक्षद्वीप के बाद आज वर्तमान में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो चंडीगढ़। कौन सा होगा, चंडीगढ़, क्लियर है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का। और लक्षद्वीप के बाद में दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है चंडीगढ़। कौन है, चंडीगढ़, याद रहेगा, चंडीगढ़ ना। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का क्रम, जनसंख्या के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम। ओके, चलो देखते हैं भारत के राज्य, ऐसे कितने राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा रेखा निर्धारित करते हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जो दो देशों के साथ सीमा रेखा निर्धारित करते हैं, क्लियर है, आज देखेंगे। और दो जी के क्वेश्चन में बताया था, हिमाचल प्रदेश ना पाकिस्तान के बॉर्डर, यहाँ पे पाकिस्तान है, नेबरिंग कंट्रीज को पढ़ा चुका हूं मैं, तो पाकिस्तान के बॉर्डर को टच नहीं करते, यहां खत्म हो जाता है ना हिमाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, यहां पर आपका ये नेपाल है ना, ये क्या है, नेपाल, तो यहां पर नेपाल के बाउंड्री टच करता है। ये भूटान है, भूटान, तो यहां पे भूटान के बाउंड्री को भी टच करेगा, क्लियर है। चलो इतना हो गया, तो पहले देखते हैं ऐसे कितने राज्य हैं जो तीन देशों के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तीन दूसरे नेबरिंग कंट्रीज यानी तीन पड़ोसी देशों के साथ क्या करेंगे, वो बाउंड्री क्रिएट करेंगे। तो यहां पर देख लो, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक, और इधर पूरा क्या है आपका, चाइना, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन। ओके, ये नेपाल है, और ये क्या है आपका, भूटान, और यहां पर क्या है आपका, तो बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश, ठीक। चलो देखिएगा, तीन देश बोला हूं ना, तीन देश, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तीन देशों के साथ क्या कर रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं ना। तो पहला देखिएगा, पहले ये जम्मू कश्मीर था जी, क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन आज वर्तमान में ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, ये क्या हो गया है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख यूनियन टेरिटरी ना। तो देखो, यहां से लेके यहां तक का बॉर्डर किसका है, पाकिस्तान का, और यूनियन टेरिटरी कौन, लद्दाख। तो ये वाला बॉर्डर किसका, पाकिस्तान का, ये वाला बॉर्डर किसका, तो अफगानिस्तान का, और यहां से लेके पूरा यहां तक किसका है, तो चाइना का, क्लियर है। तो तीन देश हो गए जी,
तीन देश हो गए, एक पाकिस्तान यहां पे, अफगानिस्तान यहां पे, और ये पूरा कितना आपका किसका, तो चाइना का। तो तीन देशों के साथ सबसे पहले बाउंड्री क्रिएट कर रहा है कौन, तो यूनियन टेरिटरी, वो भी कौन सा आपका, तो लद्दाख। तो तीन देश के साथ पहला बाउंड्री क्रिएट करने वाला आपका यूनियन टेरिटरी ना कौन सा है, तो लद्दाख। लद्दाख कौन कौन सा है, तो एक मैप में देखो ना, मैप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ये तीन देश। ओके लोकेशन दिखा दिया। सेकंड नंबर पे मैप में देखो, ये सिक्किम है ना, सिक्किम, सिक्किम तो तीन देश इसका भी, एक तो इधर नेपाल है, इधर भूटान है, तो नेपाल और भूटान का बाउंड्री यहां पे खत्म हो जा रहा है ना, ये देखो इतना पे नेपाल, इतना में भूटान, और ऊपर का जो पार्ट है ये किससे संलग्न है, किससे जुड़ा है, तो चाइना से। तो दूसरा आपका देश राज्य, सॉरी राज्य कौन सा होगा, सिक्किम, सिक्किम ना, ठीक। तो सिक्किम देखो मैप में देखो, पहले नेपाल, नेपाल ना, नेपाल के बाद ऊपर में जाएगा किसके पास, चीन, चीन, चीन चाइना, उसके बाद फिर बाजू में क्या है, भूटान, भूटान ना, भूटान, क्लियर है। तो कितने, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य, ठीक। तीसरे नंबर पर देखो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये देख रहे हो क्या आपका, तो पश्चिम बंगाल, क्या देख रहे हो, इधर अरुणाचल प्रदेश और ये पश्चिम बंगाल। तो ये देखो पश्चिम बंगाल ना, यहां पर बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं किसके साथ, नेपाल के साथ, ठीक है, किसके साथ, नेपाल के साथ, नेपाल ना, ठीक। और नेपाल के बाद यहां पे भूटान, यहां पे भूटान, और ये पूरा किसका है, तो बांग्लादेश का बाउंड्री, किसका है, बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल भी ना तीन देशों के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, यहां पे नेपाल, यहां पे भूटान, और इतना पूरा आपका किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ, क्लियर है। तो अगला राज्य कौन सा, तो पश्चिम बंगाल। मैप में देखो ना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ना, तो पश्चिम बंगाल पहले बाउंड्री क्रिएट करेगा किसके साथ, नेपाल, नेपाल, नेपाल के बाद बाजू में है भूटान, भूटान, ठीक। और भूटान के बाद फिर किसके बाद, किसके साथ, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। पहले ही क्लास में इसको क्लियर किया था ना, बच्चों को लगता है पश्चिम बंगाल यहां खत्म, लेकिन यहां पर आपका नेपाल और यहां भूटान से बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। ओके उसके बाद देखो ये अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पर भूटान के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, ये पूरा एरिया किसका है, तो चाइना के साथ बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, और यहां पे आपका ये वाला एरिया तो म्यांमार के साथ, ठीक, किसके साथ, म्यांमार के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश भी तीन राज्यों के साथ, सॉरी तीन देशों के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, कौन, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश मत समझ लेना, अरुणाचल प्रदेश। तो पहले किसके साथ देखो, तो भूटान, भूटान, भूटान के बाद चीन, चीन ना, और चीन के बाद म्यांमार, म्यांमार, ठीक। ये तीन देश के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहा है कौन, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तीन देशों के साथ क्या कर रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश, तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ना, जो तीन देशों के साथ क्या करेंगे, बाउंड्री क्रिएट करेंगे, कौन कौन सा राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और एक केंद्र शासित प्रदेश ना कौन, लद्दाख, याद रहेगा। चलो इतना हो गया, अब देखो ऐसे कितने राज्य हैं जो दो देशों के साथ बाउंड्री क्रिएट करेंगे। चलो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, पानी पी लेता हूं मैं, तब तक नोट करो इसको। स्क्रीनशॉट ले लिए थे, तो तीन देशों के साथ बाउंड्री क्रिएट करने वाले स्टेट हम लोग देख लिए,
अब दो राज्यों के साथ, सॉरी दो देशों के साथ बाउंड्री क्रिएट करने वाले स्टेट को हम लोग देखेंगे, क्लियर है? ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो दो देशों के साथ क्या कर रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो पहला देखिएगा, नक्शे में साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, एक तो है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड ना, क्या उत्तराखंड? तो उत्तराखंड देखो, ये पूरा बॉर्डर किसका है? चाइना का। किसका है? चाइना। क्लियर? चाइना के बाद ये वाला बॉर्डर किसका होगा? नेपाल का। किसका? नेपाल का। ओके, तो एक राज्य हो गया कौन? उत्तराखंड, जो दो देशों के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। उसके बाद देखो ये है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिजोरम ना, तो मिजोरम जो है यहां पर बांग्लादेश, बांग्लादेश ना, और ये पूरा बाउंड्री किसका है? ये वाला तो म्यांमार का। किसका है? म्यांमार। ठीक, तो दो राज्य हो गए जो दो देशों के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। ये असम है, असम। तो असम को देखो, बता चुका हूं, दो जगह से बांग्लादेश को टच करता है, एक यहां पे और एक यहां पे। किसको टच कर रहा है? बांग्लादेश को। और ये वाला पूरा बाउंड्री किसके साथ बना रहा है? तो भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। ओके, तो दो देशों के साथ, दो देशों के साथ बाउंड्री क्रिएट करने वाले भारत के राज्य, तो अभी बताया मैं, एक कौन? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना ना, यूके। उत्तराखंड है ये। क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड देखो किसके किसके साथ, तो यहां पर आपका चाइना और यहां पर नेपाल। तो एक चीन और दूसरा नेपाल। किसके साथ? नेपाल के साथ। ओके, फिर बताया मैं मिजोरम और असम। तो सेकेंड नंबर पे असम, असम ना, असम को देखो, यहां पर भूटान और यहां यहां पे असम। किसका? तो बांग्लादेश का। तो चाहे यहां पर काउंट करो चाहे यहां पे, ठीक है ना? तो असम किसके साथ? तो एक बार भूटान के साथ यहां पे, और यहां पे बांग्लादेश के साथ। तो भूटान, भूटान। मैं प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होना चाहिए ना, बता देता हूं मैं, एक बार भी यदि आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ तो पूरा डागाडोल हो जाएगा, पूरा माइंड से निकल जाएगा ना। भूटान, भूटान के बाद फिर आपका कौन? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश, बार बार बोल रहा हूं ना मैं, प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होना चाहिए। सपने में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? भारत का नक्शा पूरा बाउंड्री आना चाहिए ना। अभी भी नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका मैपिंग में काम नहीं हो रहा है, आगे जाके और दिक्कत देगा फिर जब मैं सभी राज्यों का अलग अलग करके मैपिंग बताऊंगा। तो इसलिए बेहतर है बाउंड्री अभी से क्लियर हो जाए। ओके, तीसरा राज्य कौन सा है? तो हमारा मिजोरम। मिजोरम, तो मिजोरम किस तरफ टच करता है? किसको? तो बांग्लादेश को। बांग्लादेश ठीक, वेस्ट साइड में, और ईस्ट में किसको टच कर रहा है? तो फिर यहां पे म्यांमार। म्यांमार। ओके, क्लियर है? ठीक, तो दो देशों के साथ संलग्न राज्य। अब एक देश के साथ बाउंड्री बनाने वाले तो फिर बहुत सारे राज्य हैं, इधर देखो कि राजस्थान है, फिर गुजरात है, तो उतना याद नहीं रखना, वो काम का नहीं। क्लियर है? जितना बताया उतना आपको याद होना चाहिए, पहले उतना याद होना चाहिए ना। ठीक, अब देखो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ, बोल रहा हूं ना राज्यों के साथ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहा है? ओके, राज्य बोल रहा हूं ना मैं, राज्य। ओके, तो भारत संघ का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा 8 राज्यों के साथ, कितने राज्य बोल रहा हूं मैं? 8 राज्य।
उन आठ राज्यों के साथ ये क्या करता है, बाउंड्री क्रिएट करता है। देखिए कौन सा, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो भारत राज्य का, भारत संघ का उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ, यानी आठ राज्यों के साथ वो क्या कर रहा है, बॉर्डर क्रिएट कर रहा है। ओके, देखो कौन कौन सा, यहां पे देखो ये वाला पाटना, हिमाचल प्रदेश। किसको, हिमाचल प्रदेश को एकदम पॉइंट में ना, एटलस में जाके देखिएगा पॉइंट में एकदम, ये हिमाचल प्रदेश यहां पे। ओके, एक राज्य हुए हिमाचल प्रदेश के बाद ये वाला बाउंड्री किसका है, तो हरियाणा। दो, ये पूरा बाउंड्री किसका है, तो राजस्थान का, राजस्थान। तीन, ये वाला पूरा बाउंड्री किसका है, तो एमपी का। चार, ये वाला बाउंड्री किसका है, तो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का ना। पांच, ये वाला बाउंड्री किसका है, तो झारखंड का। छह, और ये वाला बाउंड्री किसका है, बिहार का, तो सात, और ये वाला बाउंड्री किसका है, तो उत्तराखंड का, यानी कि आठ। ओके, आठ राज्य ना, तो कौन कौन सा, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा एमपी, पांचवा सीजी, छठवा झारखंड, सातवा बिहार और आठवा उत्तराखंड। ऐसे कहना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, चाहो तो आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, आठ राज्य क्लॉकवाइज ही चलो, चूंकि मैं लेफ्टी हूं तो एंटी क्लॉकवाइज चला गया था। ठीक, चलो, तो भारत संघ का कौन सा राज्य, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक न सर्वाधिक कितने राज्यों से आपका सीमा निर्धारित करता है, तो आठ राज्य। कितने राज्य, आठ राज्य, आठ राज्य ना, ठीक, आठ राज्य। तो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज चलो, आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद बिहार, बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड ना, पूरा लिखोगे झारखंड, झारखंड के बाद देख रहे हो, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और फिर हरियाणा। तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा सात राज्य, आठ राज्य, सॉरी, हिमाचल प्रदेश एक, उत्तराखंड दो, एक उत्तराखंड दो, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवा एमपी, सातवा राजस्थान और आठवा कौन, हरियाणा। तो भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ घिरा हुआ है, तो कौन, उत्तर प्रदेश। कितने राज्य है, तो आठ राज्य, क्लियर, याद रहेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ दूसरा सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ राज्य है, ये सात राज्यों से घिरा हुआ है जी। कितने राज्य, तो सात राज्य, छत्तीसगढ़ ना, सात राज्य, देख लो कौन कौन सा, ये छत्तीसगढ़ है, क्लॉकवाइज चलो, तो यहां पर उत्तर प्रदेश, यहां पे झारखंड, ये पूरा बॉर्डर किसका, उड़ीसा का, ये पॉइंट में आपका आंध्र प्रदेश, ये वाला बॉर्डर किसका, तेलंगाना, ये वाला बॉर्डर किसका, तो महाराष्ट्र का, और ये वाला बॉर्डर किसका, तो मध्य प्रदेश का। कितने हो गए, सात, उत्तर प्रदेश एक, झारखंड दो, उड़ीसा तीन, आंध्र प्रदेश चार, तेलंगाना पांच, छठवा महाराष्ट्र, सातवा मध्य प्रदेश। तो सात राज्य ना, सात राज्य कौन कौन से, तो देख लो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड ना, झारखंड के बाद देख लो, तो झारखंड के बाद उड़ीसा, पूरा लिखोगे ना, बता देता हूं मैं, पूरा लिखोगे उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत समझ लेना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका तेलंगाना है, तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक, तेलंगाना के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ओके, और महाराष्ट्र के बाद ऊपर में मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। तो
यूपी के बाद सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ आपका राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। कितने राज्य? तो 7 राज्य। ओके, याद रहेगा। चलो, तो इतना आपका भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ओके, क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, 3 लाइन का है, भारत के जलीय सीमा का क्षेत्र। थोड़ी देर स्टार्टिंग में बोला था कि भारत की जलीय सीमा क्षेत्र पर भारत का कौन कौन सा अधिकार है, कितने दूरी पर अधिकार है और उन क्षेत्रों को किस किस नाम से जाना जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो, तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो, तो पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा, वाटर बाउंड्री। ठीक, वाटर बाउंड्री ना। ओके, भारत की जलीय सीमा। तो देखो, भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर आपका अरब सागर अरेबियन सी, तो कुछ दूरी तक ना इधर भी और इधर भी और इधर भी, नीचे इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। तो अलग अलग क्षेत्रों पर जहां जहां आपका समुद्री सीमा है ना, समुद्री तट है, वहां पर इस देश को बस नहीं ना, भारत देश को बस नहीं, सभी देशों को, जितने भी देश हैं विश्व में, उन सभी देशों का यदि अगर आपका तट है, समुद्र से आपका सीमा बनाता है, तो उन सभी देशों को कुछ दूरी तक अलग अलग प्रकार के अधिकार दिए गए, सभी को ना, जिनके जिनके आपका समुद्र तट है। ओके, तो भारत का भी आपका समुद्र तट है, इधर भी और नीचे भी, तो इसको भी वो अधिकार प्राप्त है। क्लियर है। अब उन अधिकार प्राप्त क्षेत्रों को क्या क्या बोला जाता है उसको जरा देखेंगे। तो जलीय सीमा का निर्धारण ना, एक क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। जलीय सीमा के अंतर्गत तो पहला क्षेत्र कौन सा? प्रादेशिक सीमा, टेरिटोरियल ना, टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल जोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल जोन। ठीक, टेरिटोरियल जोन। दूसरा, दूसरा होता है अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न मंडल, या इसी को संलग्न क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र ना, अविच्छिन्न मंडल या फिर आपका संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन। क्या बोलते हैं आपका इंग्लिश में? तो कॉन्टिग्यूअस जोन। ये आपका टेरिटोरियल जोन और ये आपका कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक, तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोला जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, ये प्रादेशिक सीमा, पहला क्षेत्र आपका भारत की जलीय सीमा के अंतर्गत पहला क्षेत्र कौन सा आपका? 3 क्षेत्र में बांटा गया है ना, कितने क्षेत्र में? 3 क्षेत्र में। तो पहला क्षेत्र आपका प्रादेशिक सीमा यानी कि आपका टेरिटोरियल जोन, दूसरा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, ठीक, इसको क्या बोला जाता है आपका? तो कॉन्टिग्यूअस जोन। तीसरा है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर है, ये 3 क्षेत्रों में बटा है ना, ये पूरा क्या है जी? अरब सागर है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, तो इन सभी पे ये 3 क्षेत्र है। कितनी कितनी दूरी तक है इसको भी जरा देख लेते हैं। ओके, तो एक नॉटिकल मील, क्लियर है,
तो एक नॉटिकल मील, चूंकि नॉटिकल मील से लेते हैं ना, डिस्टेंस किस में लेंगे, मापन का पैमाना क्या है, नॉटिकल मील, ठीक, एक नॉटिकल मील, तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85200 किलोमीटर। कितना होता है 1.85, आप चाहो तो 1.85 ही याद रखो, पूरा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बताना मेरा काम है तो मैंने बता दिया। एक नॉटिकल मील बराबर कितना, 1.85200 किलोमीटर, क्लियर है? तो नॉटिकल मील से इसको मापते हैं ना, मापन का पैमाना, पैमाना क्या है, तो नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर कितना 1.85200 किलोमीटर, याद रहेगा। चलो, तो प्रादेशिक सीमा देखो, ये तो ऐसा है ना, मैप में जाइएगा, जूम करके देखिएगा, चूंकि एटलस जूम नहीं होगा, लेकिन सभी के पास एंड्रॉइड फोन है तभी तो देख रहे हो। एंड्रॉइड फोन में नेविगेशन में जाइएगा, मैप को, इंडिया की मैप को जूम करके देखिएगा, जो तट है ना, तट जो कोस्ट है वो पूरा कटा फटा रहता है ना, एकदम पूरा कटा फटा रहता है, ऐसा सीधा नहीं रहता है, चूंकि हम लोग पूरा बना रहे हैं, मैप में भी दिया रहता है, ठीक, तो पूरा सीधा रेखा दिया देता है, लेकिन जब आप उसको जूम करके देखोगे, बड़ा करके देखोगे, तो पूरा कटा छटा रहता है ना, ठीक, हम लोग सामान्य तौर पे ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब आप जूम करके मैप को देखोगे तो जो तट होता है ना, तट इस प्रकार से पूरा कटा फटा रहता है ना, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, इस प्रकार पूरा कटा फटा रहता है ऐसे, लेकिन हम लोग बनाते हैं उसको कैसे, ऐसे, क्लियर है, इस प्रकार का रहता है ना। अब यहां से डिस्टेंस कैसे लें, यहां से डिस्टेंस कैसे लें, तो देखो, अगर हम अंदर वाले भाग से यहां से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक, तो यहां का डिस्टेंस अलग होगा, अगर यहां से लेते हैं तो यहां का डिस्टेंस अलग होगा, अगर यहां से ले रहे हैं तो यहां का डिस्टेंस अलग होगा, तो कैसे करें, ठीक, तो इसके लिए समाधान निकाला गया ना, बोले क्या कि आधार रेखा क्या बनाओ, आधार रेखा बनाओ, और आधार रेखा को ही डिस्टेंस मान के क्या करो, आपका यह सीमा का निर्धारण करो। तो आधार रेखा निर्धारित किया गया ना, क्लियर है? तो आधार रेखा किसको कहते हैं, तो इन कटे फटे तट को मिलाने वाली रेखा, जहां पे सभी तट क्या हो, यानी कि सभी क्षेत्र क्या हो, आपस में मिल रहे हो, तो इन कटे फटे, ठीक है ना, इन क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही क्या बोला जाता है, आधार रेखा, यानी कि बेस लाइन कहा जाता है। ओके, ये देखो, इधर छोड़ दो, इधर को पूरा क्या कर दो, छोड़ दो, लेकिन ये बाहर का भाग मिल रहा है ना, तो इन बाहरी क्षेत्रों को मिलाने वाली जो सामान्य रेखा होगी उसी को ही बोला गया कि आपका आधार रेखा, यानी कि बेस लाइन। ओके, तो जो डिस्टेंस होगा जोन का ना, वो यहां से ना लेकर कहां से लेंगे हम लोग, बेस लाइन से, कहां से लेंगे, बेस लाइन यानी कि आधार रेखा से। तो प्रादेशिक सीमा का जो क्षेत्र होता है ना, प्रादेशिक सीमा का जो क्षेत्र होता है वो आधार रेखा से, कहां से, आधार रेखा यानी कि बेस लाइन से, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील बेस लाइन से ना, बेस लाइन से कितना 12 नॉटिकल मील, तो बेस लाइन से, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक कौन सा जोन होगा, तो टेरिटोरियल जोन यानी कि प्रादेशिक सीमा। ओके, अब 12 नॉटिकल मील, 12 से लेकर 24 नॉटिकल मील तक, 12 से 24, क्लियर है? तो 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील से लेके 24 नॉटिकल मील तक क्या आपका क्या रहेगा, संलग्न क्षेत्र यानी कि अविच्छिन्न मंडल, माइनस करोगे तो टोटल निकल कर आएगा कितना 12 नॉटिकल मील। तो 12 नॉटिकल मील बेस लाइन से ये भी है और 12 नॉटिकल मील ये भी है, कहां से, तो आपका प्रादेशिक सीमा से, लेकिन टोटल देखोगे तो 12 से 24 और टोटल कितना आपका 12, ठीक, यहां पे जहां पे आपका प्रादेशिक सीमा समाप्त तो होगा वहां से प्रारंभ हो जाएगा ना क्या आपका संलग्न क्षेत्र। तो 12 नॉटिकल मील में प्रादेशिक सीमा समाप्त तो हो रही है और वहीं से शुरू हो रहा है फिर क्या आपका, तो अविच्छिन्न मंडल,
ठीक, कहां से कहां तक? 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील, यानी कि टोटल लेंथ कितना होगा उसका भी 12 नॉटिकल मील। क्लियर है? अब 24 नॉटिकल मील में समाप्त हो रहा है ना कौन, तो आपका संलग्न क्षेत्र। तो 24 नॉटिकल मील से लेके 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, तो 24 नॉटिकल मील से लेके 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है? देखा जाए तो इसका टोटल लेंथ कितना निकल कर आएगा, तो 176 नॉटिकल मील। क्लियर है? यानी कि 24 नॉटिकल मील में जब संलग्न क्षेत्र खत्म होगा तो वहां से लेके 200 नॉटिकल मील तक। क्लियर है? क्या होगा आपका? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर? तो प्रादेशिक सीमा का टोटल लेंथ है, टोटल एरिया कितना होगा, तो 12 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्र का टोटल लेंथ कितना होगा, तो इसका भी 12 नॉटिकल मील। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र का टोटल लेंथ कितना होगा, तो इसका भी कितना होगा, 176 नॉटिकल मील। क्लियर है? लेकिन शुरू कहां से होगा, तो आधार रेखा यानी बेस लाइन से 12 से 24, 24 से 200। क्लियर है? ठीक, अगर बेस लाइन से 12 किलोमीटर तक प्रादेशिक सीमा, फिर 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक आपका संलग्न क्षेत्र, और 24 नॉटिकल मील से लेके 200 नॉटिकल मील तक आपका क्या होगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। क्लियर है? अब अगर पर्सनल, ठीक है ना, अगर पर्टिकुलर इनके अपने क्षेत्र की बात करें तो इनका लेंथ कितना होगा, तो देख लो 24 से कहां तक 200, तो 200 में 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 176। तो इसका अपना क्षेत्र लेंथ कितना है, तो 176। ये 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील से शुरू होता है और यहां पे खत्म होता है, तो इसका अपना क्षेत्र कितना होगा, तो 12 नॉटिकल मील, और ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील। क्लियर है? चलो, तो ये आपका क्या है, भारत की जलीय सीमा, इतना क्षेत्र है इनका। अब प्रादेशिक सीमा पर देखें तो संपूर्ण अधिकार, इतने एरिए पर ना भारत का पूर्ण रूप से अधिकार है हर क्षेत्र में। क्लियर है? सभी प्रकार के अधिकार उसको यहां पर है इतने क्षेत्र में। क्लियर है? कहां तक? 12 नॉटिकल मील तक। उसके बाद 12 से 24 की बात करें, यानी कि ये वाला 12 नॉटिकल मील, ये वाला ना, तो यहां पर भारत को पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, साफ सफाई, उस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही साथ यहां पर वित्तीय कर, यानी कि सीमा शुल्क, जब आप बॉर्डर को क्रॉस करेंगे भारत का इस वाले एरिया को, ठीक है ना, इधर, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरों से सीमा शुल्क, ठीक है ना, यानी कि उससे टैक्स ले सकते हैं, बॉर्डर टैक्स। क्लियर है? तो सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है यहां पर। पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने का अधिकार है भारत को यहां पर, ठीक। साथ ही साथ अप्रवासी, ठीक, जो भारत के प्रवासी नहीं है, अगर वो इस क्षेत्र से आना जाना कर रहे हैं, यहां पर किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर उनके लिए कानून बनाने का अधिकार भी किसको है, भारत देश को है, इतने पर। क्लियर है? 12 से 24। फिर 24 से 200 इस वाले एरिया पर, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर, तो यहां पर भारत को खनिज संपदा, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, जो कि पेट्रोलियम निकलता है ना, तो पेट्रोलियम निकालने का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार, इन क्षेत्रों पर द्वीप बसाने का अधिकार। क्लियर है? ठीक, संशोधन, ठीक है ना, रॉकेट लॉन्चिंग, ये सब इस प्रकार का आपका संसाधन अधिकार किसको है, तो भारत को है। क्लियर है? कौन कौन सा बोला, तो एक बोला आपका क्या, द्वीप बसाने का अधिकार है, ठीक, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, साथ ही साथ आपका क्या, संशोधन करने का, ठीक है ना, संशोधन करने का यहां पर अधिकार है किसको, भारत को, रॉकेट लॉन्चिंग इस वाले एरिया पर वो कर सकता है। लिया है? कहां तक? 200 नॉटिकल मील। उसके बाहर गए 200 नॉटिकल मील के बाहर, तो किसी भी प्रकार का जलीय सीमा पर भारत देश का अधिकार नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यह था क्या आपका, भारत की जलीय सीमा। ओके, चलिए, तो पहला चैप्टर हमारा यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, भारत का सामान्य परिचय, यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्लियर है? सेकेंड टॉपिक हमारा कौन सा होता है, तो बताया था मैं, भौगोलिक परिचय, ठीक है ना, भौगोलिक परिचय, जिसमें हम लोग अक्षांश, देशांतर, भारत का अक्षांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार, कर्क रेखा, आईएसटी, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल पोजीशन किसका, इंडिया का, पृथ्वी पर।
तो इस वाले टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा किसके बाद, मैपिंग के बाद। इस चैप्टर के बाद हम सभी राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का मैपिंग देखेंगे। क्लियर है? पूरा राज्य ना 28 राज्यों का मैपिंग और आपका 8 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों का, इसको भी मैपिंग में देखेंगे। क्लियर है? तो मैपिंग के बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा ना किसको, जियोग्राफिकल पोजिशन को, यानी कि भौगोलिक परिचय को। तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया है, अब इसके बाद सभी राज्यों का हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैपिंग पढ़ेंगे। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।